Hello, my dear students. How are you all? I hope you are fine. So, this is Sabi here currently working as an RRB peer. I welcome you all to my YouTube channel. So, um, many of you have been requesting for so long to share my RRB peer strategy as I cleared this examination this year. So, here I am to share my strategy. I'll tell you what did I study, what did I follow, and. Uh, How did I study during my preparation so that it help you to excel your preparation? Okay, so let's quickly begin the video. The first thing which you need to take care of is mindset. koi bhi strategy banane se pehle आपको mindset बनाना है. इस सबसे important point है, ठीक है? जब vacancy आती है किसी भी examination की, तो समझ लीजिए for an example, 50 vacancies are. तो आपको ये सोच लेना है कि आई एम गोइंग टू बी वन ऑफ दीज फिफ्टी कैंडिडेट्स वन ऑफ दीज फिफ्टी फाइनली सिलेक्टेड वन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको माइंड बनाना है बिल्कुल फॉर्म डिटर्मिनेशन के साथ कि हमें इनमें सेलेक्ट होना ही है ठीक है इफ आई रिमेम इफ आई टेल यू अबाउट माई डिटर्मिनेशन सो वेन दिस आर आरबी पीओ केम तो जनरल कैटेगरी में फिफ्टी ही वैकेंसी थी ठीक है और मैंने सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले, भी, पहले ही जब हमने वैकेंसी देख ली थी तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था आई विल बी वन ऑफ दीज फिफ्टी मुझे और कुछ नहीं सोचना मुझे सिर्फ यही सोचना है कि मैं इन फिफ्टी कैंडिडेट में से रहूंगी बस मेरा यह टारगेट होना चाहिए बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है ठीक है कि और बाकी टोटल कितनी वैकेंसी है पेपर कितना टफ है लेवल क्या जा रहा है कॉम्पिटिशन कितना है कुछ ये सब सोचने की जरूरत नहीं है और फिर जब फाइनली वो आप अचीव कर लेते हैं ना तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो incomparable है है ठीक uh, है बिल्कुल क्योंकि आई ऑल्सो फेल्टैट वेन रिजल्ट केम ऑन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट डेट आपको बहुत सारी चीजें स्ट्राइक करती हैं एंड जब वो स्ट्राइक करती है ना द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज दिस ओनली कि एक बार मैंने ऐसा सोचा था तो आप भी आज के आज सोच कर रखिए जब भी वैकेंसी आती है तो आप उस अकॉर्डिंग चाहे वो नंबर कितना ही छोटा ना हो लेकिन आप उस अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट करके रखिए ठीक है तो द फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर करके रखना है स्ट्रेटेजी से भी पहले आपको माइंड सेट बनाना है द नेक्स्ट थिंग इज लोग पूछते हैं सिलेबस क्या है तो सिलेबस क्या क्लर्क के लिए अलग होता है पीओ के लिए अलग होता है क्या आईबीपीएस के लिए अलग एस के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है बिल्कुल सेम एक स्टैंडर्ड ही सिलेबस है बैंकिंग में आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा बहुत इजीली मिल जाएगा ठीक है तो सिलेबस uh, के लिए इतना वरी करने की जरूरत नहीं है सिलेबस uh, आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी मैं आपके लिए टेलीग्राम का मैंने एक चैनल बनाया है डिस्क्रिप्शन uh, में लिंक टेलीग्राम का होगा वहां पर एक पूरे एक फॉर्मेट में आपको सिलेबस दे दिया जाएगा ठीक है सो दैट वॉज अबाउट सिलेबस सिलेबस हर चीज का अलग नहीं होता सिर्फ टफनेस का डिफरेंस होता है सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है ठीक है सिलेबस सब कुछ सेम है ठीक है अब स्ट्रेटजी से भी पहले यह बात कर लेते हैं कि वाई आरआरबी आरआरबी आखिर क्यों चूज करना चाहते हैं आर बहुत बेटर ऑप्शन है ठीक है बेटर ऑप्शन क्यों है बेटर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अपने ही स्टेट में पोस्टिंग मिल रही है नियर टू होम है ना होम पोस्टिंग मिलती है आपको थोड़ा लेस वर्कलोड है इसमें जॉब सिक्योरिटी है और अगर आप हाईर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत इजिली टाइम भी मिल जाएगा इसलिए बहुत ही शॉर्ट में हमने डिस्कस किया है कि आर क्यों बेहतर है बहुत सारे लोगों का एस्पाइरेशन यही होता है कि उन्हें आर में जॉब चाहिए ठीक है तो आर क्यों बेहतर है इन सभी के वजह से बेहतर है है uh, yes, बहुत ही अबाउट सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सब्जेक्ट हैं मैथ्स और रीजनिंग ठीक है क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश नहीं आता है यही डिफरेंस है बाकी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन से आरआरबी में कि यहां पर प्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट और रीजनिंग देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश से बहुत ही ज्यादा जो दूर भागते हैं जो बहुत ही वीक है इंग्लिश में जो ये कंफर्टेबल फील नहीं करते ठीक है इंग्लिश में एग्जाम देना तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है हैी में बिकॉज प्री में आपको सिर्फ क्वांट और रीजनिंग रहता है और जब मेंस की बारी आती है तो वहां पे समझ लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश चूज करना चाहता है तो वहां पर इंग्लिश रहता है अदरवाइज आप हिंदी में भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं ठीक है तो ये आपको बेनिफिट है आर आरबी में पर हम अभी प्री की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो सब्जेक्ट है एक क्वांट और दूसरा रीजनिंग ठीक है यहां पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 45 मिनट्स का टाइम होता है आरआरबी के एग्जामिनेशन में क्योंकि सिर्फ दो ही सेक्शन है तो यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है नॉलेज तो ठीक है आपका एक्यूरेसी तो ठीक है जो आप कर रहे हैं वो तो सही होना ही चाहिए बट स्पीड अगर आपने मेंटेन नहीं की है चाहे वो पीओ का एग्जाम हो चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो पर अगर आपने स्पीड मेंटेन नहीं की तो आप हार जाएंगे इस रेस में बिकॉज आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं ठीक है तो आपको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी है अगर एग्जाम टफ आया ना तभी कट ऑफ रेयरली कभी कम जाएगा अदरवाइज कट ऑफ इसमें ज़्यादा ही जाएगा ठीक है तो आपको हमेशा ये देखना होगा अपने प्रिपरेशन के दौरान कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाने की तरफ आप अप्रोच करें आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपका स्पीड उसमें रेगुलरली इंक्रीज होता रहे ठीक है और हम टाइमिंग की तो बात कर ही रहे थे तो टाइमिंग मैंने बताया आपको 45 मिनट्स आपको मिलते हैं और क्वेश्चंस कितने रहते हैं 80 क्वेश्चंस रहते हैं 80 क्वेश्चंस और 45 मिनट्स तो आपको हमेशा से अपनी प्रिपरेशन में जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा से ये चीज स्टार्ट करना है कि दोनों सब्जेक्ट क्वांट और रीजनिंग में से जो दोनों सब्जेक्ट में से जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ज्यादा सॉरी जिसमें आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है ठीक है जैसे कि आपको इस तरीके से बांट लेना है 25 मिनट्स और 20 मिनट्स समझ लीजिए आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो उसको आप कितना देंगे 25 मिनट्स देंगे और अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है तो उसको 25 मिनट्स देंगे इस तरीके से आप डिवाइड करके चलेंगे ताकि जो आप जहां पर जिसको आप अपना स्ट्रांग पॉइंट कह रहे हैं उसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकें ठीक है तो आपको स्पीड के अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करते करते और टाइम के अकॉर्डिंग सेक्शंस को इस तरीके से बांटना है और ऐसा नहीं कि आप अपनी स्ट्रेटजी जो इस चीज से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाएंगे कितना टाइम हमें किस सब किस सेक्शन को देना है उसे लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करिएगा ठीक है ऐसा कई बार लोग कर देते हैं कि स्टार्टिंग से वो एक स्ट्रेटेजी में रहते हैं बट लास्ट लास्ट में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें दूसरे सेक्शन में आ जाता है लगता है कि इसमें हम एक्सेल कर जाएंगे दूसरे की स्ट्रेटेजी देखकर तो उनका खुद का गड़बड़ हो जाता है इसलिए स्टार्टिंग से ही अपना एक सेक्शन जो भी स्ट्रांग है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देकर और समझ लीजिए दोनों आपका इक्वल है तो आप दोनों को इक्वल टाइम दीजिए अपने अकॉर्डिंग लेकिन यहां पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं करना है कि आप फोर्टी फाइव मिनट्स में से थर्टी मिनट्स दे दिए किसी और को और आपने कर दिया और फिफ्टीन मिनट्स बच गए बस और आपके पास टाइम नहीं बचा क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है ठीक है लेकिन सेक्शनल मार्क्स होते हैं ठीक है जो आपको अटेन करने ही पड़ेंगे तो सेक्शनल मार्क्स होते हैं ऐसा नहीं कि आपका एक सब एक सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे सेक्शन में आप गए तो इसलिए अपना दोनों हिसाब से करना है बैलेंस करके करना है ठीक है तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के बारे में ठीक है तो क्वांट में आपको जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो होगा आपका स्पीड बढ़ाना और स्पीड के लिए स्पीडी मैथ्स आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है दैट मीन्स आपको ट्वेंटी तक के टेबल्स ट्वेंटी थर्टी सॉरी थर्टी तक के स्क्वायर्स ट्वेंटी तक के क्यूब्स uh, स्क्वायर्स स्क्वायर रूट्स के शॉर्ट ट्रिक्स क्यूब्स क्यूब रूट्स के शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स और भी जितने भी इस टाइप के ट्रिक्स होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रैक्शन से परसेंटेज में जो कन्वर्शन होता है या परसेंटेज का फ्रैक्शन में जो कन्वर्जन होता है इसे लर्न करना है आप हर दिन सुबह उठने से उठने के बाद आप लगभग हाफ एन आवर के लिए इसे ही रिवाइज करेंगे इसे ही प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के प्रैक्टिस करिए देख के लर्न करिए जैसा भी करिए लेकिन आपको इस इसपे वर्क करना पड़ेगा इसी से आपकी जो क्वांट है वो उसमें स्पीड बढ़ेगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले क्वांट में आपको अपना स्पीड बढ़ाना है स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन जल्दी करना होगा है ना और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है अब जब आपका ये सिंप्लीफिकेशन ये सब किसमें इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सिमेशन में ठीक है नंबर सीरीज़ वगैरह में पैटर्न फाइंड करने में हेल्प करता है ये सारी चीज़ें जब आपकी स्ट्रेंथन हो जाएंगी जब आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन टॉपिक्स का तब आप चैप्टर वाइज जितने और चैप्टर्स हैं उन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और मैंने एक बहुत ही बेस्ट यूट्यूब चैनल आपको बताया हुआ है वो है करियर डिफाइनर ठीक है करियर डिफाइनर कौशिक मोहंती सर उसमें पढ़ाते हैं एंड बहुत ही बेस्ट तरीके से उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है यू कैन गेट सेशन बेस्ड ऑन एवरी सिंगल चैप्टर तो वो आपको अपने कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करने हैं या आप समझ लीजिए पहले से कोई ऐसे टीचर से पढ़ रहे होंगे जिन जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो आपको हेल्पिंग लगता है तो आप उन्हीं से कंटिन्यू रखिए ठीक है आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज रूल्स इन सभी के शॉर्ट नोट्स बना के ए फोर साइज पेपर में रखने हैं ताकि आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए उन्हें यूज कर सकें ठीक है तो ये वही चीजें हैं जो मैंने की हैं जो मैं आपको बता रही हूं कि मैं अपने पास पक्का दस पंद्रह पेज का कुछ रखती थी जो कि मैं लास्ट मिनट में रिवाइज करके जाती थी एक बार देख लेने से बहुत सारी चीजें एक बार में रिवाइज हो जाती है ठीक है तो मैथ्स रिलेटेड ऐसी क्या चीजें हो सकती है वही सारी चीजें जो मैंने स्पीडी मैथ्स में आपको बताई और जब हम चैप्टर बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बीच में कुछ कहीं कहीं पर कुछ रूल्स लगते हैं तो वो सारे रूल्स वगैरह को भी लिख लेंगे ठीक है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वगैरह का तीन चार दिन में लर्न करना है उसके बाद आपको हर दिन उसको प्रैक्टिस करना है किस किस तरीके से जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया उसके ट्वेंटी क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन हो गया उसके टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चंस ठीक है नंबर सीरीज हो गया उसके फिफ्टीन फिफ्टीन ईच मतलब फिफ्टीन रॉन्ग नंबर सीरीज फिफ्टीन मिसिंग नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया उसके ट्वेंटी क्वेश्चन ईच ये आपको एवरी डे करना है और एवरी डे करने से आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और फिर आप बिल्कुल ही मास्टर कर जाएंगे ठीक है तो आपको फिर उसके बाद हर दिन प्रैक्टिस करना है अपने आपको टारगेट्स देके किस तरीके के टारगेट्स की फाइव मिनट्स में हमें सॉरी टू मिनट्स में हमें फाइव क्वेश्चन करने हैं फिर इससे भी रिड्यूस करिए है, है? आपकी एकदम क्लियर तीन चार दिन में तो आप तो रेगुलर उसको डेली यूज में ले आएंगे उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जो चैप्टर वाइज जैसे एवरेज जैसे रेशियो जैसे एस आई सी आई इन सब का फिर आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे बहुत जगह आपको कंटेंट अवेलेबल है सर्वेश वर्मा की जो बुक है उस उसमें भी आपको इजीली मिल जाएगा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें और आपको यूट्यूब गूगल हर जगह सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ठीक है स्टार्टिंग में अगर आपको अपना एक पूरा एक पूरा बेसिक ले डाउन करना है आपको एक फंडामेंटल बिल्ड करना है अपना तो मैंने आपको एसबीआई क्लर्क के वीडियो में भी बोला था कि अड्डा टू फोर सेवन के जो फाउंडेशन कोर्सेज आते हैं जैसे वहां पर मैंने बोला था एसबीआई क्लर्क का आप जाकर देखिएगा लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर मैं बोलूंगी कि इसके आर आरबीपीओ या अगर आप आर आरबीपीओ का पढ़ रहे हैं अगर आपको आईबीपीएस पीओ का भी मिल जाता है कोई भी फाउंडेशन कोर्स तो आप जाकर वहां उसे पूरा का पूरा वॉच करिए मतलब आप समझिए कि उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी होती है कि क्वांट की कम से कम जिसमें थर्टी फोर्टी वीडियोस होंगे थर्टी फोर्टी डेज तक चलती है वो फिर उसके बाद सेम वैसी रीजनिंग की सेम वैसी इंग्लिश की इसको जब आप पूरा वॉच कर लेंगे ना तो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो अपना एक फाउंडेशन ले करने के लिए आप अड्डा टू का कोई भी किसी भी ईयर का मतलब इतना पुराना मत जाइएगा लास्ट ईयर का ही या तो एस बी का देख लीजिए या आईबीपीएसपीओ का देख लीजिए या अगर आरआरबी पीओ का होगा तो उसका देख लीजिए ठीक है उसको पूरा वॉच करिए उसको सिंसियरली वॉच करिए ठीक है उसके बाद जब हम आते हैं सर्वेश वर्मा पे तो सर्वेश वर्मा की जो क्वांटम कैट की प्री आ, ले, प्री लेवल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वांटम कैट की जब आप बुक देखेंगे तो उसमें लेवल वन के क्वेश्चंस हैं तो लेवल वन आपको करना है प्री के लिए और उसके बाद आप जब लेवल वन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब आप लेवल टू की तरफ मूव करेंगे जो कि आपको अल्टीमेटली मेंस के लिए भी हेल्प करेगा और समझ लीजिए कभी पेपर बहुत टफ आ गया तो प्री के लिए भी हेल्प कर सकता है तो सर्वेश वर्मा की क्वांटम कैट की बुक आप ले लीजिए या उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है आप देख लीजिए ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्वांट के लिए जो मैंने फॉलो किया है उसके बाद आपको डी के लिए जो डीआई आती है क्वांट में डाटा इंटरप्रिटेशन उसके लिए मटीरियल मिल जाएगा करियर डिफाइनर चैनल में आपके मॉक टेस्ट में ठीक है मॉक टेस्ट जो आप देंगे मॉक टेस्ट कैसे देंगे बताऊंगी स्टडी नीति चैनल एक है मैडम पढ़ाती है स्मृति मैडम वहां पर आपको मिल जाएगा डी प्रैक्टिस आपको करना है कंटेंट तो इतना अवेलेबल है कि कहीं मत फिर उसके बाद आपको अड्डा पे जो ऐप है उसमें क्विजेस मिल जाते हैं वहां पे भी आप मटेरियल इजीली अवेल कर सकते हैं ठीक है तो आपको यही सारी चीजें हैं जो आपको करनी है अपने आप को बिल्कुल कुछ टॉपिक्स में मास्टर करना है जैसे कि परसेंटेज एवरेज रेशियो और एलिगेशन क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ये चार टॉपिक्स जो कि मेन्स में आपको इतना हेल्प करेंगे क्योंकि मेन्स की पूरी डीआई जो होती है ना इन पे बेस्ड होती है या तो किसी एरेथमेटिक पार्ट पे बेस्ड होती है इसलिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है ठीक है ठीक है तो आप समझिए कि आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज उसके बाद आपने चैप्टर वाइज जो है वो एरेथमेटिक पूरा पढ़ लिया है ठीक है पर उसके बाद भी जो चैप्टर्स बच जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है जैसे कि प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंश्यूरेशन ये सब भी आपको पढ़ने हैं इसके भी अपने बेसिक्स क्लियर करिए क्योंकि हम सिर्फ प्री का नहीं सोचेंगे हमें मेन्स तक का सोचना है और मेन्स में इन पे बेस्ड पूरी की पूरी एक डी आ सकती है तो क्या आप हर चीज ऐसे छोड़ते चलेंगे नहीं ना तो इसलिए आपको अपना एरेथमेटिक पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये टॉपिक भी पढ़ने हैं इसके बेसिक्स भी आपको क्लियर करने हैं ठीक है तो मैंने क्या समझाया आपको डेली के डेली वो अपने सिंपलीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन इनके तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो आपको सॉल्व करने हैं दूसरा पार्ट आप हर दिन मतलब ऐसे टू टू थ्री डेज लेकर अपना पूरा एरिटिक क्लियर करेंगे और तीसरा पार्ट है कि आपको डीआई में एक्सेल करना है तो ये तीन चीजें आपको क्वांट में हर दिन करनी है आप समझ रहे हैं कि ये पार्ट करना है फिर दूसरा किसी किसी अरिथमेटिक के चैप्टर को क्लियर करना है और तीसरा आपको डीआई में एक्सेल करना है ठीक है तो ये करते वक्त अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में एक चैनल से नहीं समझ में आ रहा है दूसरी जगह से नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैं और भी बता रही हूं मेरिट शाइन और इन्फिनाइट से मिल ये करके दो चैनल हैं, उनपे आप चैप्टर बेस्ड प्लेलिस्ट पा सकते हैं अगर आपके किसी पर्टिकुलर चैप्टर क्लियर नहीं है और किसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्लैरिटी चाहिए ठीक है तो दिस वाज ऑल फॉर क्वांट जो कि मैंने फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया है। कभी भी आप प्री लेवल का कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ जैसे आप डी सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आप तीन डीआई सॉल्व कर रहे हैं प्री लेवल के मतलब थोड़े इजी लेवल के जब आप स्टार्टिंग में इजी करते 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 आप जब सीख जाएंगे ना तो दस दिन बाद आपको खुद ही लगेगा कि बहुत इजी है है ना अब हमें बनाने का मन नहीं ऐसा लगेगा कि बन रहा है तो क्यों बनाए आगे क्योंकि कैलकुलेशन होता है उसमें तब आप प्रैक्टिस किया करिए मेन्स की डीआई और प्रैक्टिस तो छोड़नी है नहीं आप तीन डीआई अगर बना रहे हैं तो साथ में एक या दो डीआई आई मेन्स की प्रैक्टिस करिए किसी भी चीज में जब आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप साथ में मेन्स को लेकर चलेंगे ठीक है एक बहुत इम्पोर्टेंट बा बात कि आई ब्रिंग सेशंस फॉर यू वेर आई विल सॉल्व क्वेश्चंस इस टाइप की स्पीडी सेशंस उनका नाम ही हम स्पीडी सेशंस रखेंगे इस टाइप के स्पीडी सेशंस लाएंगे जहां पर आपके लिए सॉल्व करेंगे ट्वेंटी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मतलब दो मिनट में यही आपका टारगेट करने मैंने बोला ना तो पांच पांच क्वेश्चन क्वेश्चन मिनट में या पांच क्वेश्चन मिनट में ऐसा ही आपका टारगेट होना चाहिए और इस टाइप के हम सेशन लाएंगे ताकि आप इसको देख अप्रोच सीखें कि, कि किस तरीके से हम थोड़े से अलग अप्रोच करके और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अब दैट वॉज ऑल अबाउट क्वांट अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में ठीक है तो रीजनिंग के बारे में द बेस्ट एवर एजुकेटर जिनको मैंने फॉलो किया है और जिनको शायद आप भी फॉलो कर रहे होंगे वो है अंकुश लांबा सर ठीक है उनकी जो थाउजेंड पजल्स की सीरीज है या टू हंड्रेड पजल्स की सीरीज है या जब आप अन अकेडमी पे लॉग इन करते हैं तो वहां पर जो फ्री क्लासेस मिलती हैं आपको वहां पर जो उनकी पजल की सीरीज है आप डेडिकेटेडली फॉलो करिए उन्हें आपका पजल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है डे बाई डे आपको समझ में आएगा कि आपका पजल स्ट्रांग हो रहा है और आपको इसी तरीके से चार पजल्स डेली प्रैक्टिस करने हैं प्री लेवल के और साथ ही साथ एक मेन्स के कहीं से भी आप सर्च करिए यूट्यूब में लिखिए वन यूट्यूब में लिखे मेंस लेवल पजल्स तो आपको दिख जाएगा जैसे अड्डा के आ जाएंगे या फिर स्टडी नीति चैनल का आ जाएगा या अंकुश सर नहीं डाला होगा तो मेंस लेवल के पजल आपको भी साथ साथ में सॉल्व करने ही है हम प्री के स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन हर जगह मेन्स आपको लेकर ही चलना है ठीक है सो आपको सबसे पहले पजल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है दूसरी बात है कुछ इस तरीके की टॉपिक्स होती है जो नहीं आता तो नहीं आता लेकिन एक बार बन जाता है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम बना ही लेंगे तो सिलोजिज्म से रिलेटेड अपना टॉपिक क्लियर करिए बेस्ट चैनल इसके लिए है इन्फिनाइट सिमिल जहां पर इनके से रिलेटेड बहुत सारे आपको आ, मिल जाएंगे प्लेलिस्ट ठीक है तो जितने भी प्लेलिस्ट हैं एवरी सिंगल वीडियो जो भी इस चैप्टर पे बेस्ड है वो आपको देखना है और फिर आपको अड्डा टू फोर सेवन से प्रैक्टिस भी कर लेनी वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं ठीक है तो इस सिलोजिज्म को स्ट्रेंडन करिए फिर उसके बाद इन ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग डिस्टेंस डायरेक्शन ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने स्ट्रेंदन करिए ठीक है आपको ये याद रखना है कि आपको इनपुट आउटपुट को नहीं छोड़ना है क्योंकि प्री में तो कई बार नहीं आता है लेकिन मेन्स में आता है ठीक है मेन्स में आपको बचा सकता है वो इसलिए इनपुट आउटपुट आपको नहीं छोड़ना है जिस तरीके से हमने मैथ्स में बात की थी रूल्स की ट्रिक्स की यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें होती है थोड़ी जैसे इस टाइप की उल्टे जस्ट क्या है, जो कि हमेशा हम लिखने नहीं बैठेंगे ठीक है? तो इस तरीके के छोटे छोटे तो जो रूल्स होते हैं वो आपको लर्न करने होते हैं रीजनिंग में भी तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है जिस तरीके से मैंने मैथ्स में बताया क्वांट में उस तरीके से रीजनिंग में भी आपको इनइक्वालिटी के फाइव क्वेश्चन करने है कोडिंग डिकोडिंग के एक चाइनीस का रहना चाहिए मतलब बहुत इजी वाला वो तो नहीं आता प्री में जनरली और चार से पांच अदर लेवल के होने चाहिए डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन कर लीजिए ब्लड रिलेशन का दो तीन क्वेश्चन कर लीजिए सिलोजिज्म के दस क्वेश्चन कर लीजिए और पजल जैसा कि मैंने बताया ठीक है कि पजल के आप चार पांच पजल्स तो डेली सॉल्व करिए ही बहुत ईजिल आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि चार पांच तो हम ऐसे वीडियो देखते देखते ही कर लेते हैं तो आपका सेल्फ टाइम भी तो रहेगा ना मैं आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ बिकॉज स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है ठीक है और अगर आप चाहेंगे तो उस तरीके से बता सकते हो बट आपको मैं बता रही हूँ कि

तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट क्वांट एंड रीजनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बार लास्टली हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो आपको क्या क्या करना है सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर नहीं करना है आपको साथ में मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है उसके लिए आपको क्या करना है करंट अफेयर्स डेली रीड करने हैं क्योंकि आपको अल्टीमेटली मेन्स क्लियर करना है इंटरव्यू क्लियर करना है ना कि सिर्फ प्री ठीक है तो आपको करंट अफेयर्स डेली रीड करना है स्पीड में फोकस करना है आरबी में स्पीड बहुत जरूरी है ठीक है लास्ट मिनट रिविजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है ठीक है मॉक टेस्ट आपको डेली के डेली देने हैं आप जिस एग्जाम के कर रहे हैं आपको उस लेवल का मॉक टेस्ट देना है मतलब समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप स्मार्ट कीड़ा फॉलो करते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे एक सारे एग्जाम देने वाले हैं लेकिन आप प्रिपेयर वहाँ पे मॉक टेस्ट सिर्फ एस क्लर्क का दे रहे हैं या फिर समझ लीजिए आप सारे एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आप सिर्फ एक आर आरबी पीओ का परचेज कर लिए और उसका एग्जाम दे रहे हैं नहीं आप एक बार फुल पैक खरीद लीजिए जहां पर आप सारे के सारे इसको एक्सेस कर पाएंगे कुछ मंथ्स का जो रहता है उसे आप खरीद लीजिए ठीक है तो जहां पे सारे को एक्सेस कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको एट टाइम्स देने हैं ठीक है तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा आप जब भी कोई पेपर स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ माइंड सेट का कमाल होता है आप सोच लीजिए कि हाँ ये क्लैरिकल है तो हमें उसमें कैसा करना है कितना अटेम्प्ट करना है हमें उसमें और अगर वो पीओ का पेपर है थोड़ा सा आराम से करिए क्योंकि उतना भी ईजी नहीं रहेगा पेपर थोड़ा सा आराम से और साथ ही एक्यूरेसी स्पीड मेंटेन रखिए ठीक है तो ये हो गई मॉक्स की बात और मॉक्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉक्स के मेरे सोर्सेज रहे हैं ऑलिव बोर्ड प्लस अड्डा एट टाइम्स एंड ऑलिव बोर्ड प्लस स्मार्ट कीड़ा एट टाइम्स तो इसमें से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं बाकी अपना भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है टारगेट्स आपको बनाने हैं हमेशा अपने लिए आ, अपनी जो टाइम टेबल है वो आवर्स बेस्ड रखनी है ठीक है उसके बाद आपको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती का कंटेंट इधर उधर ढूंढना नहीं है आपको कंटेंट इजिली यूट्यूब में मिल जाएगा इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एरिटिक प्रोबेबिलिटी परमिटेशन कॉम्बिनेशन इन सबको स्किप नहीं करना है ठीक है और आपको ये याद रखना है कि आपको मैंने पहले भी बोला है कि अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को आप शेयर किया करिए ठीक है थीके? उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपको आगे के टारगेट्स को अचीव करने में आसानी होती है ठीक है तो आई uh, होप आपको इन सभी चीजों को फॉलो करने से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड आप अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा बीच बीच में मोटिवेशन के लिए आप टॉपर्स के इंटरेक्शन भी देखा करिए और स्ट्रेटेजी जो एक बार बना ली उसे हमेशा चेंज मत किया करिए उसे थोड़ा चलने दीजिए उसको अकॉर्डिंगली आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत मस्ट है एनालिसिस आपको करना ही करना है ठीक है ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे के बस छोड़ दे रहे हैं छोड़ दे रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना है हमें एनालिसिस करना है भले हम एक ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उसकी पूरी एनालिसिस की पर गलती हुई कौन से क्वेश्चन हम नहीं बना पाए ये हमें करना ही है और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो चीज हम डेली करेंगे वो है द हिंदू का एडिटोरियल और एडिटोरियल से समरी बनाकर खुद के वो कैब्स लिखना डायरी में वहां से मीनिंग लिखना और समरी में उन सब चीजों को यूज करना सारे वर्ड्स को तो एडिटोरियल भी आपको पढ़ना एडिटोरियल के आर्टिकल्स पढ़ना मस्ट है ठीक है प्री में आपको स्पीड काम आती है मेन्स में एक्यूरेसी तो स्टार्टिंग से आपको दोनों में फोकस होना चाहिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कंप्यूटर के बारे में क्योंकि बाकी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में कंप्यूटर नहीं आता है बट आर में कंप्यूटर आता है मेन्स हम अभी प्री की बात कर रहे हैं लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कि कंप्यूटर का सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो बनाऊंगी अलग से उसके बारे में और मेन से रिलेटेड वीडियो तो आएगा ही बट कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे सोर्सेज ठीक है उसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक आर एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, तो आपको करेंट अफेयर्स में अभी से जब आपके सामने प्री एग्जाम है मैं तब से बता रही हूँ कि आपको वन से टू आवर्स करेंट अफेयर्स को देने हैं रीजनिंग को आपको थ्री टू फोर आवर्स देने हैं क्वांट को आपको थ्री टू फोर आवर्स देने हैं कंप्यूटर को आपको लगभग आवर कंप्यूटर को आप छोड़ दीजिए अभी स्किप कर दीजिए जब थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए ना तब से आप कंप्यूटर स्टार्ट करिएगा बट अभी आपको करंट अफेयर्स रीजनिंग क्वांट और साथ में इंग्लिश या हिंदी जो भी आप मेन्स में अटेम्प्ट करने वाले हैं वो आप उसको वन से टू आवर्स आपको देने हैं यहाँ पर मैंने प्री से रिलेटेड स्ट्रेटजी शेयर की है इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताया है मेन्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी अब मैं शेयर करूंगी तो वहां पर बाकी इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर के लिए भी मैं बताऊंगी ठीक है So as parents, that was all for this video and uh, this is how I studied and was able to clear PO pre. I hope this is fruitful for you. And the exam August September may But Abhi say start and you will have an upper hand in results. All the best for your preparation. So this is Abhi Rukhsar here. Signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.